नमस्कार, मैं लैंसी चोपड़ा आप सभी का फिर से हमारे ईएनटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे नॉर्मली कान के पेशेंट्स इतने हैं और उनके सवाल हमेशा नए नए करके निकलते रहते हैं। उनके खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि जिससे मुझे लगा कि ये फिर से एक नया सवाल का एपिसोड आना ही चाहिए था। एनीवेज, तो हम अपना पहला सवाल रखते हैं। सर, मैं अपने कान का ऑपरेशन 2 मंथ पहले रांची रिम्स में करवाया था, बट मेरे कान में पिन होल रह गया है। क्या ये ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है या दवा से ठीक हो सकता है या फिर दोबारा से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? कान के ऑपरेशन के बाद जब कान में पर्दा लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटा सा पिन होल या 1 मिलीमीटर का छेद रह जाता है। अगर आपका कान लंबे समय तक सूखा रहे, कान से मवाद ना आए, तो काफ़ी चांसेस है कि ये पर छोटा सा छेद अपने आप भर भी सकता है। तो अभी आप वेट करिए, जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम हो अपने डॉक्टर से इलाज कराइए, कान में पानी मत जाने दीजिए और वेट करिए, काफ़ी चांसेस है कि ये अपने आप भर जाएगा। तो सर, कितने जैसे 2 महीने उसको ऑलरेडी हो चुके हैं ऑपरेशन में, तो अंदाजन कब तक हो सकता है ठीक? आई थिंक उसको अभी 6 महीने और वेट करना चाहिए। या तो 2 चीजें होंगी, या तो इसका साइज अभी और बढ़ेगा, छेद बड़ा होगा तो इसका मतलब नहीं भर रहा है, या वेट करिए। काफी सारे केसेस में मैंने देखा है अगर कान सूखा रहे तो आप ये अपने आप भर जाता है। ओके, तो इसका मतलब आप अपनी सर्दी जुकाम खांसी का ध्यान रखें, डॉक्टर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहें। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल। सर, मेरे कान के ऑपरेशन को 1 साल होने वाला है। मेरा कान बंद सा रहता है, लेकिन जब भी मैं नाक और मुंह को बंद करके मुंह फुलाने की कोशिश करता हूँ तो कान ऑलमोस्ट मतलब सब सुनाई देने लग जाता है सब कुछ, और ये चीज उनको कुछ समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जब भी नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं और जोर से मुंह में गुब्बारा भरते हैं तो कान खुल जाता है और अच्छा सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी नाक और कान को एक ट्यूब कनेक्ट करती है, जिसे हम स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, वो उनकी नॉर्मली ब्लॉक रहती है। और जब ये वो एक्सरसाइज करते हैं तो कान में हवा जाती है, जिससे पर्दा अपना नॉर्मल पोजिशन पे आ जाता है और उनको अच्छा सुनाई देने लगता है। तो आप इस एक्सरसाइज को जेंटली करते रहिए, इसको वैल्सेल्वा मैन्यूवर बोलते हैं, बहुत जोर से इसको मत करना। और अपने डॉक्टर से ये भी देख लीजिए कोई नाक में कोई इश्यू तो नहीं है, आपको नाक बंद तो नहीं है जिस वजह से वो स्टेशन ट्यूब ठीक से खुल नहीं रही हो। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है वैल्सेल्वा मैन्यूवर, जिसको करने से जो आपके मिडिल ईयर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से बैलेंस हो जाता है और आपका कान खुल जाता है। तो सर, क्या वजह रह सकती है इस ट्यूब की ब्लॉक होने की? बच्चों में तो एडेनॉइड्स होते हैं, बड़ों में ज्यादातर एलर्जी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, या फिर कान का कोई इन्फेक्शन हो तो भी ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो डिफरेंट कॉज होते हैं, बट ये एक्सरसाइज करने से एटलीस्ट इतना होगा कि कान में प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो पर्दा अंदर को नहीं धंसेगा। चलिए, एक्सरसाइज करते रहिए और ऐसे सवाल उनसे पूछते रहिए। इसी के साथ तीसरा सवाल। सर, मेरे सवाल है कि मिनियर डिकेज ठीक हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में। मिनियर डिसीज का अच्छा इलाज है, पर अगर आप बोल रहे हो क्योर हो सकता है तो क्योर नेचुरल होगा, मतलब भगवान ही ठीक करेगा, क्योंकि इसका एक नेचुरल कोर्स है। ये अपने आप में ही 2 साल से लेकर 16 साल तक अपने आप ही बर्न आउट हो जाता है, मतलब अपने आप खत्म हो जाता है। पर जब तक ये बर्न आउट होता है कुछ कुछ ये डिसेबिलिटी छोड़ देता है, जैसे हियरिंग हैंडीकैप, तो कुछ कुछ सुनाई कम होता रहता है, कुछ कुछ इम्बैलेंस का डिसऑर्डर भी रहता है, पर यह कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं, पहले तो ऑपरेशन भी किए जाते थे, कुछ कान के पर्दे में छेद करके मोती डाल के तब ड्रॉप्स भी दिए जाते थे, पर आजकल ज़्यादातर केसेस सिर्फ दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। आप मीन डिसीज से घबराइए नहीं, एक अपने पास के ENT डॉक्टर से टच में रहिए, वो दवाइयों से ही आपका ज़्यादातर केसेस में ये कंट्रोल कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर, हमारे ये नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, आप व्यूअर्स के लिए मेरे पास एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं वो आपकी इन सवालों के ऊपर ही आधारित होते हैं, मगर अगर आप कहें कि हम बिना आपके देखे, बिना कान की जांच करें आपको दवाइयाँ सजेस्ट कर सकें तो प्लीज़ ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको ENT के पास जाना पड़ेगा। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि आप हमें फ़ोन पे या ईमेल पे दवाइयाँ बता दो, हम पैसे दे देंगे,
पर ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि जो ये ट्रीटमेंट है बहुत इंडिविजुअल है, जी तो मतलब ऐसे प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं। जब तक केस ठीक से देखेंगे नहीं तो ये इलाज पॉसिबल नहीं होगा। जी धन्यवाद। इसी के साथ मैं लैंसी चोपड़ा प्लस डॉक्टर जैन आपसे बता देते हैं। थैंक यू। थैंक यू।